हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन या एडवेंचर टूरिज्म की असीम संभावनाओं को देखते हुए साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग 3 से 5 नवंबर तक बीड़ बिलिंग में 3 दिवसीय डिजिटल इंटीग्रेटेड इको फ्रेंडली फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए कसरत भी शुरू कर दी है। पर्यटन और उद्योग विभाग की पहल पर डिजिटल इंटीग्रिटी इको फ्रेंडली फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का पहला स्टार्टअप है, जिसे पुणे की यूनिफॉर्म कंपनी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीड़ बिलिंग घाटी में टेंट सिटी भी विकसित की जा रही है। प्रदेश में साहसिक पर्यटन के प्रति अधिक से अधिक पर्यटकों और सैलानियों को आकर्षित करने और बुनियादी ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से जिला कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। बीड़ बिलिंग घाटी साहसिक पर्यटन के लिए खास डेस्टिनेशन है। पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, कैंपिंग, माउंटेन बाइकिंग समेत कई साहसिक खेलों के प्रति आकर्षित होकर देश विदेश के पर्यटक यहां पहुंचते हैं। पर्यटन विभाग और साडा प्रशासन की ओर से तैयार की गई प्रस्तावना में बीड़ बाजार से पार्किंग स्थल तक समूचे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में घोषित कर माल रोड की तरह विकसित करने की भी योजना है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने कहा कि प्रदेश में पहले डिजिटल इंटीग्रेटेड इको फ्रेंडली स्टार्टअप के तहत नवम्बर महीने में 3 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा नवम्बर महीने में ही पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप आयोजित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विलेज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीड़ बिलिंग में टेंट सिटी भी विकसित करना प्रस्तावित है। बीड़ बिलिंग एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है एंड उसमें बहुत सारी साहसिक गतिविधियां, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो होता है। खासकर पैराग्लाइडिंग के लिए ये साइट बहुत मशहूर है। उसके साथ साथ विलेज टूरिज्म का एक मॉडल जो है वो डेवलप हुआ है यहाँ पे, जिसका जो है वो हमने नेशनल लेवल पे जो कंपटीशन है उसमें भी एज ए बेस्ट रूरल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे बीड़ को जो है वो उसका केस सबमिट किया हुआ है। और साथ में जो बीड़ है वो कॉरपोरेट के लिए भी एक डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप हो, उसके लिए कुछ एक स्टार्टअप्स जो हैं वो आगे आए हैं और उन्होंने एक ट्राई मेला, एक इवेंट प्लान किया है जो डिजिटली इको फ्रेंडली इवेंट रहेगा। नवंबर में जो है वो वहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 3 दिन का इवेंट जो है वो मैसर्स योगिक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो है उन्होंने इसका एक प्रपोजल हमें सबमिट किया है कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, जिसमें पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की सहभागिता चाह रहे हैं। तो हम वो भी इंश्योर करेंगे कि इस तरह के कोई इवेंट होते हैं तो गवर्नमेंट जो है उसकी फुल सपोर्ट रहे ताकि पर्यटन को वहाँ पे बढ़ावा मिल सके। साथ में क्योंकि इस इवेंट के साथ टेंट सिटी भी एस्टैब्लिश होनी है तो टूरिज्म के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा नवंबर। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा वर्ल्ड कप है, जो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप, वो भी उसका केस भी सबमिट किया गया है। होपफुली जो बॉडी है जो इसकी परमिशन देती है और इसको रिकग्नाइज करती है वहाँ से जो है वो इसकी परमिशन अगर आ जाती है तो साथ में ये इवेंट जो है वो क्लब हो जाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट हम नवंबर में जो है वो बीड़ बिलिंग एरिया में देख पाएंगे। फेस्टिवल के तौर पर फर्स्ट टाइम जो है वो हो रहा है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कांगड़ा एज ए टूरिज्म कैपिटल के तौर पे जो गवर्नमेंट का प्लान है उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ और भी आ रही हैं। एक अल्ट्रा मैराथन जो है वो भी फरवरी 2024 में प्लान की गई है और उसमें पुणे बेस्ड एक कंपनी जो है वो इसको हेरिटेज मैराथन के नाम से यहाँ पे करवाना चाह रही है। तो बहुत सारे इवेंट्स जो है वो इको फ्रेंडली जो इवेंट्स हैं यहाँ पे प्लान किए जा रहे हैं।